तो अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया, युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर फायरिंग की है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया है। युवक के हाथ में गोली लगी है और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत की है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरे हाथ में सर गोली मारी है। किसने? रमेश चंद तिवारी। क्यों, वजह क्या रही? पुरानी रंजिश थी। पहले तो आज हमने अपने खेतों पे खड़ा था तो वो ट्रैक्टर लेके आ रहा था, पहले मेरे ट्रैक्टर मारा और ट्रैक्टर की चोट से मैं फूट गया। फेंकने के बाद मैं जैसे ही मैं दौड़ा तुरंत उसने फायरिंग की और दौड़ते समय सर मेरे इस हाथ में गोली लगी, मैं दोबारा गिर गया। सब ऐसा था, अक्टूबर के महीने में ये आलू की लड़ाई कर रहे थे, तो दूसरे किसान पर ऐसे लगा। अब ऐसा हुआ कि किसी कारणवश ये उसकी लड़ाई टाइम से नहीं कर पाई और उसने ये जो विपक्षी है ना रमेश, ये इसको इसके पास आया वो किसान और इससे मतलब ये लड़ाई करवा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऐसा हुआ तो उसने धमकी दी और दूसरा किसान था उसके आप करवाया, उसने कहा कि चाहिए वहाँ से पैसे ले लेना। तो हम उसके पास गए थे समझौता करने के लिए, भैया कोई बात नहीं तुम्हें याद करवा दें, ठीक है अब हमारे पैसे हमारे पैसे दे देना। अब ये वहाँ जाकर हमारी मजाक बना दी और हमारी तरफ एक पेशेंट आया अभी इंगलास थाना से, कुलदीप शर्मा सनौ रामदेव शर्मा और निवासी हैं नंगला रजुआ, उनके सीधे हाथ में मतलब चोटें आई हैं। उनका कहना है कि उनको गोली लगी है, हमने अपने यहाँ भर्ती कर लिया है, जांच के उपरांत पता चलेगा कि क्या प्रकरण है।